ये पिछली क्राइम मीटिंग में रिव्यू के दौरान एक मामला जो करीब 3 साल पुराना था, 2015 का एक मामला आया था जिसमें कि एफआर लगी हुई थी। ये एक रेप का मामला था, 376 का केस का मामला था, जिसमें एक युवती के साथ में, जिसे बोलने में या सुनने में कठिनाई थी, ऐसी युवती के साथ में ये घटना घटित हुई थी। टेक्निकल डिफिकल्टी, बयान न हो पाने के कारण, कोर्ट में बयान न करा पाने के कारण इस ये जो घटना है इसमें एफआर लगा दी गई थी। मेरे द्वारा इस घटना को रिव्यू किया गया और इसके लिए टीम गठित की गई थाना जहानगंज की, जहां पे ये घटना हुई थी, और निर्देशित किया गया कि साइन लैंग्वेज के माध्यम से, जो स्पेशली जो हमारे स्पेशली एबल्ड जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो साइन लैंग्वेज बने हैं उसके माध्यम से इनके बयान जो है कराने के लिए प्रावधान पे काम करने के लिए किया गया। थाना अध्यक्ष और मेरी टीम के द्वारा इस पे कार्य किया गया। जनपद में जो ऐसे जो एक कॉलेज है उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल उनसे संपर्क किया गया, माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दी गई, और जो इस तरीके के स्पेशली एबल डम्ब और डेफ इस तरीके के जो प्रावधान थे, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के लिए कोर्ट से अनुमति ली गई कि वो न्यायालय में आके युवती के बयान को करवाए, और माननीय न्यायालय के अनुमति पे और इन प्रिंसिपल साहब के द्वारा मुहैया कराए गए जो हमारे साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट थे उनके माध्यम से इस युवती का बयान जो है करवाया गया, और 164 के बयान होने के बाद सही अभियुक्त तक हम लोग पहुंच पाए। और मैं बता दूं उस अभियुक्त को इस 164 के बयान एक साइन लैंग्वेज के माध्यम से, उस व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया जो सुभाष पुत्र राजकुमार, जो खुद ही जो एक रिश्तेदार भी था उस युवती का, उसका नाम प्रकाश में आया है, और उसको हमने गिरफ्तार भी कर लिया, उसको जेल भेज रहे हैं। और इस टेक्निकल डिफिकल्टी से आगे बढ़ के और इस केस को हल करने के लिए जो मेरी टीम थी उस टीम को जो है मैं 10,000 रुपये इनाम से भी पुरस्कृत कर रहा हूँ। पहली बार सर ऐसा किया गया? हाँ, इस जनपद में जैसा मैं बता दूं ये 3 साल पुराना केस था, और सिर्फ 164 का बयान, जो युवती थी डम्ब और डेफ या स्पेशली एबल्ड होने के कारण इसका बयान नहीं हो पाया था, तो इसको जो है एक प्रावधान जो भी थे कानून को स्टडी किया गया, क्या क्या इसके तरीके थे, माननीय न्यायालय से ही बात किया गया, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट हायर करके इस बयान को कराया गया, और एक जो है ये सेटिस्फेक्शन भी है कि 3 साल पुराने केस को हमने फाइनली इसको खुलासा कर लिया, और साथ ही साथ अभियुक्त को गिरफ्तार करके जो हमारे एक मैसेज भी है, जो स्पेशली एबल्ड जो हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ जो अपराध घटित हुआ है उनमें भी कड़ी कार्रवाई होने से एक मैसेज जो है जनपद में भी जाए।